हाय दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन थोड़ा कम अच्छी हूँ। सभी का घर पे तबीयत ख़राब है, लेकिन कुछ खाने का मन करता है, सेम तबीयत ख़राब रहती है तो कुछ अटपटा चटपटा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नमक पारे। तो वही मैदा रखा हुआ था, ये आधा केजी मैदा है। अभी जन्माष्टमी के दिन इसको मंगाए थे और इसमें से एक कप निकला हुआ है, क्योंकि केक बना था। तो बस मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बना देती हूँ तो हो जाएगा थोड़ा बहुत नाश्ते के लिए, क्योंकि बिल्कुल जब तबीयत नहीं मतलब नहीं चलता ना, तो खाना वाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, कुछ ना कुछ अटपटा ऐसा खाने का मन करता है। तो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक डाल दिए हैं और यहाँ पे ये देखिए डाल दे रहे हैं कस्तूरी मेथी। तो इससे स्वाद अच्छा आता है और अच्छा लगता है। कस्तूरी मेथी मुझे बहुत ही पसंद आता है, सब्जी में हो या नमक परे में हो तो अच्छा लगता है। अपना अपना टेस्ट होता है, आप नहीं बनाए तो ऐसा ज़रूर बनाना। और यहाँ पे हम डाल देंगे क्या है, थोड़ा सा मोयन के लिए रिफाइंड का ऑयल। तो रिफाइंड का ऑयल पैकेट में रखा हुआ है, अभी मैंने खोला नहीं है इसको, फ़िलहाल अभी हो जाएगा। और कढ़ाई में तेल भी रखा हुआ है तो इसलिए मैंने नहीं खोला, पैकेटों को खोल कर इसी पे मैं डाल दूँगी। और अब मैं ढूँढ रही थी यहाँ पे कराया, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा था, क्योंकि सारे डब्बे छोटे वाले जो नीचे जमा है तो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसमें डाल देती हूँ जमाइन। और जो ये बाहर की बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। और चलिए फिर भी इसको लगा लेती हैं आटा। तो आटा लगा के रख लेती हूँ। और ये मानिए मतलब तबीयत हम लोग का इतना जल्दी ऐसे डिस्टर्ब हो गया कि पता ही नहीं चला। बस सभी का एक एक करके मतलब तभी सभी का डिस्टर्ब हो गया और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रहा है। और तीजा का व्रत भी आ रहा है तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, कैसे व्रत करेंगे पता नहीं। भगवान शक्ति दे तभी भक्ति हो पाती है। और यहाँ पे देखिए मैंने मोहन को मिला दिया है। लग चुका है, अब इसको हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, ताकि जो मैदा है थोड़ा फूल जाएगा और इससे हमारा जो भी पकवान होता है बहुत ही बढ़िया बनता है। तो मैंने इसको रख दिया है फिलहाल ढक के। और ये देखिए 10 मिनट के बाद आटा यहाँ पे सेट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने ये जो प्लेटफॉर्म है इसको मैंने थोड़ा साफ़ कर लिया है, क्योंकि मैदा वगैरह थोड़ा गिर गया था। और बस अब फटाफट से क्या करेंगे, यहाँ पे कढ़ाई भी चढ़ा कर रख लेते हैं। कढ़ाई चढ़ा लेंगे ताकि धीमे आंच में कढ़ाई भी गर्म होता रहेगा। और यहाँ पे जो नमक पारे वगैरह बनाना है वो भी हम बना लेंगे। थोड़ा तेल हमें कम लग रहा था इसलिए मुझे ये पैकेट ही निकालना पड़ा। हम भरे भी दे रहे हैं डिब्बा पे, ये थोड़ा कम लग रहा था तेल। और इन सबको बनाने के लिए तेल वगैरह तो चाहिए, तो बस इसको भी मैं हाथों हाथ डाल दूंगी, नहीं तो इधर उधर गिरेगा। और ये देखिए कढ़ाई यहाँ पे चालू कर दिया मैंने, तो धीमे आंच में चालू है। और ये देखिए रोटी के जैसे बेल लिए हैं, रोटी से मोटी, डबल रोटी जैसे। और फिर यहीं पे मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मैं अलग से बैठ के नहीं बनाती हूँ, ये सब ऐसे किचन में ही गैस मतलब ऑन कर देती हूँ, कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और कढ़ाई होती रहती है और फिर मैं इसको कट करके बना लेती हूँ। ये तो बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है जब भी बच्चों का मन करता है। तो वही बच्चों का मन कर रहा था कुछ ना कुछ खाने का, बाहर का खाने का बिल्कुल नहीं ला रहे हैं कुछ भी, तो वही सोचा मैंने चलो थोड़ा बना देते हैं, कुछ अलग हो जाता है तो अच्छा लगता है, कुछ खाने का मन भी करता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको बेल लिया और कितने जल्दी कट मार दिया है। और ये अभी जुड़ी जुड़ी लग रही है ना, लेकिन जब तेल में जाएंगी ना तो ये बिल्कुल अलग अलग सारी हो जाएंगी। तो ये देखिए मैंने फटाफट से मैंने पका भी लिया है और मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी नहीं हो। और इधर ये देखिए बनाती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ। तो एक मैंने एक रोटी का जो है मैंने बना लिया है और ये बीच वाले का है और बस इतना और बचा है।
और बस ये रेडी हो चुका है। और फिर इसको क्या करेंगे, एयर टाइट डब्बे में एक रख देंगे कि जिसमें हवा नहीं जाए, ताकि ये कुरकुरी रहती है ना तो अच्छा लगता है चाय के साथ है, कितनी समय भी कुछ भी खाने का मन हो तो अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही बनाती हूँ मैं, और आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग भी ज़रूर बताना। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो, इसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आप लोगों को शेयर किया था मेरी तबीयत नहीं चल रही थी, तो मैंने अगले पहले ही वीडियो से बता दिया था आप लोग को, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहे थे कि आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे छोटा सा वीडियो बनाना पड़ा था। और थैंक यू सो मच आप लोग का, कितने प्यारे प्यारे आप लोगों ने कमेंट किए हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग का कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और मेरा भी मन करता है वीडियो बनाने का, क्योंकि वीडियो पब्लिश होने के बाद वेट रहता है आप लोग के मैसेज का, कि आप लोग के मैं देखती रहती हूँ मैसेज कमेंट देखती रहती हूँ किसका क्या कमेंट आया है। और सच में आप लोग के कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस ये रही हमारी छोटी सी वीडियो, और ये थोड़ा सा और रखा है ये देखिए, तो बस इसको भी मैं बना लूँगी। अब ये छोटा सा पीस, मतलब ये छोटी सी लोई रखी है, इसका ही बना लूँगी। और यहाँ पे देखिए बेटा भी प्लेट लेकर आ गया है खाने के लिए, उसको बहुत ही पसंद आता है। मेरे भाई बहनों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।